यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। दसवें वर्ष के दसवें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यह कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूं। हे बड़े नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है कि मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है, मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा, और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझको भी तेरी नदियों में से निकालूंगा। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वे तो इसराइल के घराने के लिए नरकंट की टेक ठहरे थे, जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया तब तू टूट गया और उनके पखोड़े उखड़ी गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई तब तू टूट गया और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं तुझ पर तलवार चलवाकर तेरे मनुष्य और पशु सबों को नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। उसने कहा है कि मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया। इस कारण देख, मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूं और मिस्र देश को मिगदोल से लेकर सवेने तक, वरन कुछ देश के सिवाने तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य व पशु का पाव तक न पड़ेगा और न उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा और उसके नगर उजड़े हुए और नगरों के बीच खंडहर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तीतर बीतर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तीतर बीतर हुए, और मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में, जो उनकी जन्मभूमि है, फिर पहुंचाऊंगा और वहां उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह सब राज्यों में से छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे अन्य जातियों पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे और वह फिर इसराइल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगे तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेंगे और तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने सोर के घेरने में अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हरेक का सिर चंदला हो गया और हरेक के कंधों का चमड़ा उड़ गया, तो भी उसको सोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी मिली और न उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, मैं बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह अपनी भीड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूटकर अपना कर लेगा, सो यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों में मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उसी समय मैं इसराइल के घराने का एक सिंह उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।